नीट 2020 परीक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद छात्रों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आगे क्या होगा या रिजल्ट घोषित होने के बाद एडमिशन कैसे मिलेगा। इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि एडमिशन से जुड़े पूरे प्रोसेस के बारे में। रिजल्ट जारी होने के बाद MBBS और BDS प्रोग्राम में एडमिशन के लिए छात्रों की काउंसलिंग होगी। हालांकि काउंसलिंग की तारीख अभी निर्धारित नहीं है। पहले राउंड के लिए काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होंगे। प्रक्रिया पूरी होकर नवंबर के पहले सप्ताह तक सीट आवंटन हो सकता है। वहीं दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए नवंबर के दूसरे सप्ताह में प्रक्रिया शुरू होकर अंतिम सप्ताह तक सीट आवंटन हो सकता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ साइंसेज काउंसलिंग की प्रक्रिया मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी MCC की तरफ से पूरी करेगा। काउंसलिंग प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और इसमें भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को MCC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना होगा। राज्यों के कोटे की 85% सीटों के लिए राज्य सरकारें काउंसलिंग करेंगी। ये ध्यान रखना जरूरी है कि राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय काउंसलिंग ऑल इंडिया मेरिट के आधार पर ही होगी। ऑल इंडिया कोटा सीटों के लिए दो राउंड में काउंसलिंग होगी। पहले राउंड में खाली रहने वाले सीटों को अगले राउंड में जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद खाली बची सीटों का डेटा राज्यों को भेजा जाएगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ESIC आदि में बची हुई सीटों को मॉपअप राउंड से भरा जाएगा। इसके बाद भी सीटें बचती हैं तो उन्हें संस्थान के राउंड में भरा जाएगा। नीट 2020 की ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को MCC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन में नाम, पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स आदि भरना होगा। काउंसलिंग एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए फीस भी देनी होगी। NTA टेस्ट में क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी ही काउंसलिंग के लिए योग्य हैं। नीट 2020 में मिली AIR रैंक और रजिस्ट्रेशन में भरी गई पसंद के आधार पर सीट अलॉटमेंट लिस्ट तैयार की जाएगी। ये लिस्ट MCC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपडेट की जाएगी। इसके बाद पहले राउंड की काउंसलिंग होगी, जिसकी डेट का लिंक वहां मिलेगा। अभी ये शुरू नहीं हुआ है। दूसरे राउंड की काउंसलिंग में भी यही प्रक्रिया होगी। अंत में मॉपअप राउंड होगा। बता दें कि जिस उम्मीदवार को नीट 2020 की काउंसलिंग में सीट आवंटित की गई है, उसे दस्तावेजों के सत्यापन और सीट की पुष्टि के लिए आवंटित संस्थान को रिपोर्ट करना होगा। आवंटित सीट के लिए दी गई समय सीमा के अंदर अगर अभ्यर्थी रिपोर्ट करने में विफल होते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।